दोस्तों आज 15 अगस्त 2023 को हम 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, पर क्या आपको ये पता है कि पहला आज़ादी दिवस कब मनाया गया था? सो 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे कहानी ये है कि 1929 के लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस स्वराज्य को छोड़ते हुए पूर्ण स्वराज्य की डिमांड रखेंगे और इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए अगले साल हम पहला आज़ादी दिवस मनाएंगे। तो इस दिन 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावि के दरिया के ऊपर देश का झंडा फहराते हुए इस दिन को कमेमोरेट किया गया। और इसी दिन की सिग्निफिकेंस को, इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए जब हमारे देश का संविधान आज़ादी के बाद लिखा गया तो 26 जनवरी 1950 को चुना गया था जब हमने संविधान को लागू किया। पर हम इस देश की आज़ादी की बात करें तो ये बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। अगर हम शुरुआत करें जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, तो उसकी जो शुरुआत है वो होती है जब यूरोपियंस हमारे देश में आना शुरू हुए, जब उन्होंने नया तरह का सी रूट निकाला। अब ऐसा नहीं है कि जब हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं या फिर और यूरोपियन पावर्स की बात करते हैं जैसे कि पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, डेन्स, वो पहले नहीं आते थे। पहले भी वो इंडिया में आते थे, पर जो रास्ता था वो है ज़मीन का रास्ता, जिसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सेंट्रल एशिया से वो आते हुए इंडिया के अंदर एंटर करते थे, पहले भी ट्रेडिंग होती थी। पर जब 13वीं-14वीं सदी के आसपास ओटोमन एम्पायर के द्वारा इस पूरे लैंड रूट के ऊपर कब्जा कर लिया गया, तब अंग्रेज़ों को, तब यूरोपियंस को ये लगा कि हमारे को एक नया रास्ता निकालना चाहिए जो कि पानी के द्वारा हो और हम फिर जाके ट्रेडिंग कर सकें साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। तो इसी तरह से सबसे पहली बार पुर्तगाल से एक बंदा निकला जिसको हम वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं। 1498 में वो पहली बार निकले वहाँ से और इंडिया पहुँचे कैलिकट ज़ेमोरिन, उस टाइम का जो राजा था, उसके बंदरगाह के ऊपर। वहाँ से एक सिलसिला शुरू होगा जब अंग्रेज़ों ने, यूरोपियंस ने ये खोज लिया था कि एक सी रूट भी है जिसके थ्रू हम इस साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो इंडिया है, शुरुआत से ही अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें, तब से ही हमारे जो लिंक्स हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, वो इन सारे देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद एक के बाद एक पावर्स का आना, एक सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, फिर डच, फिर उसके बाद हम बात करें इंग्लिश आएंगे जो कि आगे चल के 200 साल तक हमारे इंडिया के ऊपर राज करेंगे। 1608 में इंग्लिश आते हैं, फिर उसके बाद जो अगली मेन इंपॉर्टेंट पावर है वो है डेन्स, एंड लास्ट में फ्रेंच लोग आएंगे हमारे इंडिया में 1664 के अंदर। उसके बाद ये जो सारे लोग आए, इनिशियली वो एक ट्रेडिंग कंपनीज की तरह आए, यहाँ से सामान खरीद के वो अपने देश में लेके जाते थे, वहाँ पर बेचते थे। विद द टाइम जैसे जैसे इनको पता लगा कि इंडिया कितना एक इम्पॉर्टेंट देश है जहाँ से हम बहुत सारा कुछ निकाल सकते हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि अब यहाँ पर कब्ज़ा करने का टाइम आ चुका है। और ये भी हमारी एक बदनसीबी कह सकते हैं कि इंडिया या फिर नेशन का कंसेप्ट जो आज हम जानते हैं, उस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता था। हर एक जो छोटी छोटी रियासतें थीं, या फिर बड़ा राजा भी कोई हो सकता है, जो राजाओं को अपनी साइड के ऊपर लेके आएंगे और एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे ताकि वो पॉलिटिकल पावर को भी कैप्चर कर पाएं। और इसी तरह से आप देखेंगे सबसे पहले एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिंध वॉर, इस तरह से बहुत सारे वॉर्स होंगे जिनके थ्रू अल्टीमेटली जो इंग्लिश हैं, सारी यूरोपियन पावर्स में से सबसे बड़ी पावर बनेंगे एंड पूरे इंडिया के ऊपर अपना कब्जा करते हुए अपने आप को सुप्रीम पावर कर लेंगे। जो एक कंपनी ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी, अल्टीमेटली उसने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया एंड फिर जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद उन्होंने पूरी कंपनी को ख़त्म करते हुए इंडिया एज अ कंट्री को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, कॉलोनी के अंदर संभाल लिया। और इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और फिर 18 साल के बाद 1876 में इंडिया की रानी क्वीन विक्टोरिया को घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद एक प्रोसेस शुरू होगा जब हमारे इंडियंस को ये पता लग जाएगा कि ये जो लोग आए हैं ये हमारे भले के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे को लूटने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त की बात कर सकते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी अपनी किताबों के अंदर, जिसने लोगों को जागरूक किया कि हाँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं बल्कि हमें लूटने के लिए आए हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनको माना जाता है कि पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि हमारे समाज की बेहतरी के लिए हम बात कर सकें। यहाँ पर आप बंगा भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में बात कर सकते हैं, उनके द्वारा बनाई गई जो हमारी राजा राम मोहन रॉय जी की सोसाइटी है ब्रह्मो समाज, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और एक सिलसिला शुरू होगा जहाँ पर हमारे देश को रिफॉर्म करने की, उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी,
क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि ये जो इंडियंस है ये सुधार के काबिल नहीं है, इसको वो एक टर्म दिया करते थे व्हाइट्समैन बर्डन। यहाँ से प्रोसेस शुरू होगा, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी और एक ऐसा हमारे को पूरे इंडिया का एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़ेगा। अब यहाँ पर मॉडरेट्स आएंगे, एक्सट्रीमिस्ट आएंगे। मॉडरेट्स वो लोग हैं जो कि मानते थे कि अगर हम अंग्रेज़ों को जाके कहेंगे कि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मानते थे ये लोग मान जाएंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि हमारे देश में क्या दुख तकलीफें हैं, पर इनका ये वहम भ्रम था। तो अल्टीमेटली दीज मॉडरेट्स विल बी रिप्लेस बाय एक्सट्रीमिस्ट जो कि थोड़ा रेडिकल इन नेचर थे और वो सच जान चुके थे कि अंग्रेज़ों का क्या है। तो उनके द्वारा यहाँ पर हम बात करें जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने लीड किया आने वाले कांग्रेस को। फिर 1905 में जब बंगाल के पार्टीशन की जाएगी तो हमारे देश का पहला बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि है स्वदेशी मूवमेंट। और इस स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक प्रोसेस शुरू होगा जिसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे लोगों में नेशनलिज्म की भावना है वो देखने को मिलेगी। फिर जो हमारे राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी 1914 में वापसी के लिए उतरेंगे साउथ अफ्रीका से, 1915 में वो पहुंचेंगे जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं। और उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनके द्वारा उनको सख्त कहा गया था कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पहले 2 साल के लिए ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि अगर आप कर लेंगे तो आप उसी पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित रह जाएंगे और अपने तरीके से देश का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो पहले 2 साल वो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऐसे इनोवेशन इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने किए। और फिर उसके बाद जो रॉलेट एक्ट जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो उसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया में पहली हड़ताल रखी जिसको हम कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। इसके बाद उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया जिसको हम जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। तो उनके द्वारा टोटल 3 बड़ी मूवमेंट्स को किया गया, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर 1930 में हमारे पास है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1940 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि इस टाइम तक जो प्रेशर है वो हम बहुत ज़्यादा बना चुके थे अंग्रेज़ों के ऊपर कि हम आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। विश्व युद्ध पहला और दूसरे का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ तो हमने ये साफ कर दिया था कि अगर आप इंडिया की पार्टिसिपेशन चाहते हैं इन युद्ध के अंदर तो आपको हमें आज़ादी देनी ही पड़ेगी। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने तरीके से आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन की और अपने रेडिकल आइडियाज़ के थ्रू, रेवोल्यूशनरीज के थ्रू पूरे देश को आज़ादी दिलवाई। भगत सिंह का हम यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का दे सकते हैं, सूर्य सेन का दे सकते हैं, बलवंत वासुदेव फाटके जिनको फर्स्ट फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ कहा जाता है। तो हर एक देश के हर एक कोने में से लोगों ने अपने तरह से देश के लिए योगदान दिया। एंड अल्टीमेटली फिर 1947 में, ऑल्दो उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ क्योंकि देश में विभाजन की, पार्टीशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही थी कि किस तरह से हम एक डेडलॉक को समाप्त कर सकते हैं और देश का पार्टीशन को रोक सकते हैं, पर वो अंत में नहीं सफल हो पाया। और अंग्रेज़ चाहते भी इस तरह से थे कि हम इस तरह से इस देश को छोड़ के जाएँ ताकि ये बहुत सालों तक हमारे बेहतरी के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए हम इसको यूज़ करते रहें। और इसी प्रोसेस से चलते चलते 1947 में हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास थी और देश में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। इसी वजह से 1965 में लाल बहादुर शास्त्री को पूरे देश को एक प्रार्थना करनी पड़ी कि आप प्लीज़ फास्ट रख लीजिए, एक ऐसा प्रोसेस करिए कि हफ्ते में एक दिन आप खाना ना खाएं, क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए अनाज उतना बचा नहीं है। एंड देन इन द ईयर ऑफ 1666 हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा जिसके थ्रू हमारे इंडिया में जो अनाज की भरमार हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन ने नॉर्थ इंडिया के अंदर फसलों को उगाया, पानी को पहुंचाया, जिसके वजह से आज इंडिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है फूड ग्रेन्स का। और उसके अलावा जो एक इंडिया किसी टाइम पे के ऊपर अंडर डेवलप्ड नेशन था, आज के टाइम में साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास नोबेल प्राइज़ है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ है, अगर आप स्पेस मिशंस की बात करें तो उसमें हम दुनिया को लीड करते हैं, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड। तो इन सारी चीज़ों के चलते आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। इसमें हम बहुत सारे युद्ध की बात कर सकते हैं, 1961 का, 1965 का, फिर कारगिल युद्ध की बात कर सकते हैं, जिसने टाइम बाय टाइम ये प्रूव किया कि इंडिया आज के टाइम में अपने आप को लीड करने के लिए काफ़ी सक्षम है। तो ये पूरी जर्नी है इन शॉर्ट हमारे इंडिया के, किस तरह से आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं 1600 सन से शुरू होते हुए जब पहली बार अंग्रेज़ हमारे इंडिया में आए। इस सब से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि एक
कठिन रास्ता किस तरह से हम तय कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ऐसी चीज़ों को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और जानने के लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस खास दिन के ऊपर आप इस दिन की इम्पोर्टेंस की अहमियत समझेंगे, क्योंकि ये जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं ये बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो आज के टाइम में हम इसको रियलाइज नहीं करते, बट द फैक्ट इज दैट अगर आप सोचें आप अफगानिस्तान या फिर सीरिया में पैदा हुए होते तो आपकी जो मनोवस्था है या फिर आपकी कंडीशंस किस तरह की हो सकती थी। किसी भी देश को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, पर उस क्रिटिसिज्म के पीछे एक कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे तो आप अपने देश को और बेहतर बना सकेंगे और देश को और ज़्यादा बुलंदियों तक लेके जा सकेंगे। तो इसी के साथ मैं कवल आप सबसे अलविदा चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ ये सारा डिलीवर करते हुए मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी होगी, और कहीं पर अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। धन्यवाद।